हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। फिर आपके लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आए हैं जिनका नाम है परमाणु और नाभिक। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो उसी क्लास को हम फिर से आज कंटिन्यू करने वाले हैं परमाणु और नाभिक के जरिए। इसके पहला वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया गया था ट्रांजिस्टर के बारे में, तो आशा करते हैं आप लोग उसे देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। मॉडर्न फिजिक्स के रिगार्डिंग आपका छठा वीडियो है। छठे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु और नाभिक के बारे में। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया था कि मॉडर्न फिजिक्स है जो अपने आप में बहुत सारा चैप्टर लेकर बैठा हुआ है, तो धीरे धीरे से हम क्या करेंगे, उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर पढ़ेंगे कैसे, तो क्या करना है, सबको बेसिक से लेकर चलना है, ठीक है ना। तो परमाणु और नाभिक आपका चैप्टर से नहीं है, यानी कहने का मतलब है जब परमाणु और नाभिक को आप पढ़िएगा तो परमाणु और नाभिक आपका जो है इस चैप्टर में नहीं है। यानी जब भी पढ़ना है हमको क्या पढ़ना है, तो अगर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के रिगार्डिंग, तो सबसे पहला आपका आता है द्वैत प्रकृतिक, द्वैत सिद्धांत, या बोल सकते हैं आपका यहां पर से आ सकता है फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट से आ सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि किसी ना किसी कारणवश आप लोग अच्छे से अध्ययन नहीं किए होंगे क्लास 11th में। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, आपको पूरा बेस परमाणु को लेकर चलेंगे। परमाणु से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों को समझेंगे, पूरे तह तक नहीं जाएंगे लेकिन ऊपर ऊपर तक लेकर चलेंगे, जो आपको अच्छी तरीके से बाकी ही सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग परमाणु और नाभिक। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे वीडियो को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में दो लोगों की बहुत अहम भूमिका थी। एक का नाम था न्यूटन, न्यूटन दूसरे का नाम था आइंस्टीन, ठीक है ना। सबसे पहले देखा जाए तो एक भाग यानी भौतिक का एक भाग पूरा का पूरा न्यूटन संभाल लिए थे, जिनका नाम था क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा जो आपका क्वांटम फिजिक्स है वो किनके आधार पर था, आइंस्टीन के आधार पर था। यानी दो लोगों ने मिलकर के पूरे भौतिक को क्या कर दिया था, सजा कर रख दिया था। पहले जो थे न्यूटन थे, जिनको क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बताया जा रहा था। उसके बाद आइंस्टीन जो थे आपके क्वांटम फिजिक्स। जनरली हम बात करना चाहें तो क्वांटम फिजिक्स भी आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, यानी क्वांटम के बारे में पढ़ना है आपको। सबसे पहला क्लासिकल और दूसरा कौन थे, क्वांटम, यानी कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाएंगे धीरे धीरे देखिएगा। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स में, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन अगर स्टार्ट किया जाए वो पदार्थ से होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पदार्थ। पदार्थ यानी इसको द्रव्य भी बोल सकते हैं, मैटर इंग्लिश, ठीक है ना। चलिए, बहुत सुंदर सा शब्द है मैटर, पदार्थ। चलिए, पदार्थ के बारे में अगर अध्ययन करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ जो स्थान घेरता हो, सबसे पहले इसका बात लिखते हैं, सबसे पहला जो स्थान घेरता हो, दूसरा, दूसरा पॉइंट अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो बोल सकते हैं जिसके अंदर मास हो, द्रव्यमान, ठीक है ना, हो गया ना। यानी जो स्थान घेरता हो और जिसके अंदर कुछ द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में बताने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे, सर्वप्रथम बताए थे, जिनका नाम था डाल्टन। यानी किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इनके बारे में बताए कौन। पदार्थ किन से मिलकर बना हुआ है, इनके बारे में कौन बताए थे, इनके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन। किनका नाम था, डाल्टन नाम था। तो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है अति सूक्ष्म अविभाजित कण के मिलने से बना हुआ है। अति सूक्ष्म अविभाजित कण कहने का मतलब एटम, या बोल सकते हैं डाल्टन ने बताया था कि परमाणु पर सॉरी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ, किससे, परमाणु एटम। परमाणु पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ, परमाणु से। परमाणु कहते हैं, परमाणु कहने का मतलब क्या हो गया, तो परमाणु किसे कहते हैं, तो वैसा कण जो टूटे ना, कहने का मतलब कि ये भी आपका परमाणु है, इसे अगर छोटे-छोटे टुकड़े में काट दिया जाए, काटने के बाद वैसा टुकड़ा, वैसा कण जो टूटे ना, इसको अगर हम बोल सके तो वैसा सूक्ष्म कण जो अविभाजित हो, या बोल सकते हैं अति सूक्ष्म अविभाजित कण, अति सूक्ष्म अविभाजित कण। फिर से एक बार, बहुत मोटी बात बोल रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, अति सूक्ष्म अविभाजित कण, ठीक है ना। यानी बोल सकते हैं अति सूक्ष्म, सबसे छोटा, अविभाजित, ना कटने वाला, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम यहां पर थोड़ा सा देख ले
तो आपको पता हो जाना चाहिए एटम एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड यहां से भी आप निकाल सकते हो, एटम कैसा वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। ए का मतलब होता है नॉट, अटॉम का मतलब होता है डिविजिबल। ना कटने वाला, सॉरी ना टूटने वाला, ना बटने वाला, ठीक है ना, ना बटने वाला। ना बटने वाला, चलो। तो जो ना बटे उसे हम लोग एटम कहते हैं। इसी से मिलकर क्या बना हुआ है, हमारा पदार्थ बना हुआ है परमाणु के मिलने से। अगर परमाणु के बारे में बात कर ले तो बोला यहां पर लिख दिया गया है कि ना बटने वाला यानी अविभाजित होना चाहिए। तो यह धारणाएं बहुत दिन तक चलती रही, फिर इसके बाद यह धारणाएं फेल हुई और बताया गया कि नहीं, परमाणु मिलकर बना हुआ है यानी परमाणु डिविजिबल है। क्या हुआ, कुछ दिन बाद पता चला कि एटम जो है विभाजित कण है। कितने भागों में बट सकता है, ये तीन भागों में, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो सबसे पहला अगर बात कर ले तो कौन है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा अगर बात करें इसका तो दूसरा भाग है आपका प्रोटॉन, और तीसरा जो भाग है उसका आपको बोल सकते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है ना। एक सेकंड थोड़ा, चलिए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा क्या हो गया, न्यूट्रॉन। अगर इसकी खोजकर्ता की बात कर ले, खोजा था कौन कौन ने, तो सबसे पहले खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था इलेक्ट्रॉन, जो खोजा कौन था तो उसको हम लोग बोल सकते हैं थॉमसन। कौन, थॉमसन। दूसरे आपके थे प्रोटॉन, ठीक है, जिनको कौन खोजे थे तो उनका नाम था कौन, गोल्डस्टीन। तीसरे आपके न्यूट्रॉन जिसका खोज करता है चैडविक, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई होगी बात। देखिए दूसरी बात बताना चाहते हैं आपको, ये जो है एटम यानी परमाणु के अंदर वाला कण है, परमाणु के अंदर वाला कण है। इन तीनों कण का नाम बोल सकते हैं परमाणविक कण। यानी परमाणु से मिलकर बनने वाले कण को क्या बोल सकते हैं, परमाणविक कण। यानी जिन जिन से मिलकर बना हुआ है परमाणु उसके हम लोग बोल सकते हैं परमाणविक कण, ठीक है ना। तो इसका एक और नाम बोल सकते हैं परमाणविक कण। यानी आपका इलेक्ट्रॉन भी परमाणविक कण है, प्रोटॉन भी परमाणविक कण है, न्यूट्रॉन भी क्या है, परमाणविक कण है। अगर इसको थोड़ा सा हम याद करने का तरीका समझ ले तो तरीका हम लोग यहां से सिंपल सा एक तरीका समझ सकते हैं, ईट पर गिरकर नॉच, ठीक है। यहां देखिए ई और ट, ईट पर को हम पी से और गिरकर को जी से, और फिर एन और सी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां से आप बातों को समझ सकते हैं थोड़ा। ई से आपका हो गया इलेक्ट्रॉन जिसके खोजकर्ता थॉमसन, पी से आपका हो गया प्रोटॉन जिसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन, एन से आपका हो गया न्यूट्रॉन जिसके खोजकर्ता कौन, चैडविक। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान देना है, एक घर है आपका प्रोटॉन, सॉरी परमाणु, एक घर है, उस घर के अंदर तीन लोग रहते हैं, तीनों की स्थिति कहां क्या है, यानी तीनों का कहां कहां रहते हैं, यानी तीनों की स्थिति जानने के लिए, तीनों की स्थिति जानने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया था। यानी इनकी स्थिति जानने के लिए मॉडल तैयार किया गया था, लिख सकते हैं इनकी स्थिति जानने के लिए मॉडल तैयार किया गया था। क्या तैयार किया गया था, मॉडल। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले मॉडल लेकर आने वाले थे जिनका नाम था क्या, थॉमसन। मॉडल, ठीक है ना। ये मॉडल कुछ दिन तक चला था, जिसके बाद फिर एक मॉडल आया था जिसको बोल सकते हैं गीगर मार्स्डन। प्रयोग, ठीक है, गीगर मार्स्डन का प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा प्रयोग, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है ना। बात समझिएगा थोड़ा, गीगर मार्स्डन के बाद रदरफोर्ड आए थे, रदरफोर्ड अपना प्रयोग लेकर आए थे जिसको बोला जाता रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, गीगर मार्स्डन को भी रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में दर्शाया गया था। अब बात समझना है कि गीगर मार्स्डन
भी प्रयोग किए थे उस प्रयोग को भी रदरफोर्ड का अल्फा परिक्रमण प्रयोग कहा गया था। क्यों? क्योंकि देखिएगा, रदरफोर्ड विद थे वो आपके स्टूडेंट थे, और ये जो सॉरी रदरफोर्ड बोल रहे हैं, गीगर मार्स्टन आपके स्टूडेंट थे, गीगर और मार्स्टन स्टूडेंट थे, और रदरफोर्ड जो थे वो टीचर थे, टीचर थे। यानी जो भी प्रयोग हुई थी ये इनके निरीक्षण में हुई थी, यानी एक टीम बनाकर काम कर रहे थे, ये दोनों टीम बनाकर काम कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि जो टीचर होते हैं उनके देख रेख के, उनके निरीक्षण में हुई थी, इसीलिए इस प्रयोग का नाम, यानी रदरफोर्ड जो प्रयोग किए थे उस प्रयोग का नाम चल करके आया था रदरफोर्ड का अल्फा परिक्रमण प्रयोग। बात समझ में आया? तो सबसे पहले जो पढ़ना है मॉडल, वो थॉमसन का मॉडल है, उसके बाद आपका गीगर मार्स्टन का मॉडल है, उसके बाद आपका रदरफोर्ड का अल्फा परिक्रमण प्रयोग है। गीगर मार्स्टन पढ़िए तो आपका रदरफोर्ड का अल्फा परिक्रमण भी प्रयोग भी आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जहां से स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपका है थॉमसन का मॉडल। तो चलिए हम लोग थॉमसन के मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का अल्फा परिक्रमण प्रयोग। चलिए थॉमसन के मॉडल में बारे में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। थॉमसन के मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा किसी परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं, ठीक है ना। क्या क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्या होते हैं? प्रोटॉन। आपको इतनी बात जरूर पता होगी कि दोनों पर आपको जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात कर ले तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ में आई यहां तक? बस डिफरेंट क्या होता है, तो डिफरेंट आपका हो जाएगा मास, यानी मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 इंटू क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब, अगर हमारा द्रव्यमान जनरली 40 kg है, सामने वाला का द्रव्यमान जनरली आपका बोल सकते हैं कि 80 kg का है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा द्रव्यमान उसके द्रव्यमान का आधा है, या उसका द्रव्यमान मेरे द्रव्यमान का दुगना है, उसका द्रव्यमान मेरे द्रव्यमान का क्या है? दुगना। वही यहां पर देख सकते हैं कि आपके प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना है। बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा भारी है, किसका? इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा भारी है, ठीक है ना। एक चीज और आपको यहां पर हम बता देना चाहते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन, बहुत अहम बात ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में एक बल से बंधे हुए होते हैं, इसीलिए वो टूटता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। यानी बोल सकते हैं बहुत मजबूत बल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा बल? बहुत मजबूत जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल 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 नाभिकीय बल द्वारा क्या किया रहता है? बंधा रहता है, इसलिए कभी नहीं टूटता है, इसको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है ना। तो यहां पर बता दे रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से आप लोग देख रहे हैं दोनों पे चार्जेस सेम है, फिर उसके बाद आप लोग देख रहे हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा बात देख रहे हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। बात समझ में आई यहां तक? बात करते हैं अब थॉमसन के मॉडल। थॉमसन आए थे और सबसे पहले इन्होंने कहा था, ठीक है ना, थॉमसन आए थे और सबसे पहले इन्होंने कहा था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए, परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्या है? धंसे हुए। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है? धंसे हुए है। चलिए भैया, परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन धंसे हुए। यानी मान लेते हैं कि आपका पदार्थ है, आपका परमाणु है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन धंसे हुए है, माइनस 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 माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है? धसे हुए। अब यहाँ पर बात समझ में नहीं आई थी, कुछ लोगों ने बोला था कि जो हमें यहाँ तक तो समझ में नहीं आई, अब थोड़ा अच्छे से समझाइए, कुछ और एग्जांपल दीजिए। तो बोला कि बाजार से एक तरबूज लेकर आओ और तरबूज को काटो, जो काले काले भाग है वो आपके इलेक्ट्रॉन है और बाकी आपके प्रोटॉन है, ठीक है ना। बात समझ में आई यहाँ तक? यानी जो काले काले भाग है वो आपके इलेक्ट्रॉन है। यानी वहां पर एक तरबूज का क्या किया था? उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। बात समझ में आया था? तो सबसे पहला परमाणु के अंदर, अगर इसके बारे में पहला बात लिखना चाहें तो पहला बात आप लोग लिख सकते हैं, परमाणु के अंदर
के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे। बहुत अच्छी बात बताई, मजा नहीं आया, ये बात सुनकर मजा नहीं आया। दूसरा बात इन्होंने बताया था, दूसरा बार जब इन्होंने बताया तो इनके लिए हमें मतलब हमारे मन में सभी के मन में इज्जत आ। दूसरा बात इन्होंने क्या बताया, यानी जितना इलेक्ट्रॉन होगा यानी बोल सकते हैं यहां पर दूसरा बात इन्होंने बताया था, परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी, यानी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आपका हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। एक सेकंड थोड़ा छोटा कर देते हैं, बराबर आपका पी संख्या, कोई दिक्कत है? ये बात जब इन्होंने बोली थी तो हमारे मन में इनके लिए इज्जत आ गई थी। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई थी, तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी, जितना आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा यानी माइनस का जितना वैल्यू होगा उतना ही प्लस, यानी जितना माइनस देख सकते हैं, यानी किसी परमाणु के अंदर जितना आपका नेगेटिव होगा जितना माइनस उतना प्लस, जितना माइनस उतना प्लस। तीसरा बात, चौथा बात आपको बताया जाए, अगर नेट चार्जेस की बात की जाए किसी परमाणु में, नेट चार्ज का जो वैल्यू आने वाला था जीरो, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा तो नेट चार्जेस का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। ये तीन बातें इन्होंने बताई थी, ठीक है ना? तो तीन बातें इन्होंने बताई थी और उसके बाद क्या किए थे, ये तीनों बात में से सबसे महत्वपूर्ण बात जो आई थी वो आपके ये थे, क्या थे, जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी नाभिक में होगी उतने ही प्रोटॉन की संख्या होगी, ठीक है। तो उसके बाद बताए थे जितना माइनस होगा किसी परमाणु के अंदर उतना ही क्या होगा, प्लस होगा, यानी कोई ऐसा उदासीन परमाणु ले ले, ठीक है, जितना उदासीन एक परमाणु ले ले जितना उसके अंदर माइनस होगा उतना उसके अंदर प्लस होगा। आपको यह भी बात बता गई थी कि माइनस अगर चार्ज ई पर इलेक्ट्रॉन का आवेश देखा जाए तो माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, प्लस का देखा जाए पी पर देखा जाए तो प्लस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आपको कुछ और बातें बता दी गई थी तो ये बातें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपने परमाणु मॉडल के बारे में बात की गई थी तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात बताया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए, आपको तरबूज वाला एग्जांपल भी दिया गया था, उस तरबूज के एग्जांपल से इन्होंने समझाया था। दूसरी बात और सबसे मोटी बात इन्होंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना होगा किसी परमाणु के अंदर उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। तीसरी बात इन्होंने बताई थी कि जितना माइनस होगा उतना ही आपका प्लस होगा। उसके बाद अगर जानना चाहे नेट चार्जेज, नेट आवेश तो आपको पता होना चाहिए जितना माइनस उतना प्लस दोनों कटेगा, नेट चार्जेस जीरो के बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि इनको लोग याद करना भूल गया, यानी इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया कि क्या इनकी स्थिति बताना भूल गया, यानी इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, प्रोटॉन के बारे में बता दिया, यानी इन्होंने न्यूट्रॉन की स्थिति नहीं समझा पाई, इन्होंने न्यूट्रॉन की स्थिति नहीं बता पाई कि न्यूट्रॉन है तो है का, न्यूट्रॉन की स्थिति यानी इनकी स्थितियां बताने में असमर्थ रहे। जब असमर्थ थे इनकी स्थितियां बताने में तो लोगों ने कहा कि जाओ भैया टाटा बाय बाय, अब आपके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, अब अपनी जगह पे जाइए, आपने पूरी जानकारी हमें नहीं दी, आपने अधूरी जानकारी दी, हम आपके बारे में नहीं पढ़े। तब जाकर के आया था हमारे गीगर मासुडन का प्रयोग, तब जाकर यानी ये आपके जो परमाणुवाद थे वो फेल हो चुके थे, क्या हो चुके थे, फेल हो चुके थे। जब ये फेल हुए थे तब आपका क्या आया था, तो गीगर मार्शडन का प्रयोग आया था। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे गीगर मार्शडन का प्रयोग, गीगर मार्शडन का प्रयोग पढ़िएगा तो आपको इनकी स्थिति के बारे में समझा दी जाएगी, तब आप लोग समझ जाइएगा कि परमाणु के अंदर किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, न्यूट्रॉन कहाँ पे है, प्रोट्रॉन कहाँ पे है। तीनों की स्थिति इन्होंने नहीं बता पाई थी अच्छी तरह से, इसीलिए इन्हें लोग याद नहीं करते हैं, कुछ दिन तक इन्हीं लोगों को याद की गई। और बहुत हल्की सी बात थी, बस इतना ही पढ़ना था थॉमसन के बारे में, क्योंकि थॉमसन ने क्या किया था, अच्छी तरह से चीज़ों को डिफाइन नहीं किया था। तो जो जो लोग जानते हो कि जो लोग
किसी चीज़ को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, उन्हें लोग क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो ये भी हम लोग भी क्या कर दिए थे, इन्हें भूल गए थे, कह दे भैया आप जाइए, आप हमें अच्छी जानकारी नहीं दिए, आपको हम भूल गए, ठीक है। तो इन्हें लोग भूल गए थे। तो जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे वो गीगर मार्श्डन का अल्फा फकीर में प्रयोग। तो आशा करते हैं आप लोग अभी अच्छे होंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिए, वो वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि ठीक है ना, जो 11th क्लास में परमाणु के बारे में अच्छी जानकारी नहीं मिली थी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ऊपर ऊपर ही सही लेकिन सारा रिविज़न आपको यहाँ पे हो जाए। चलिए, आप नेक्स्ट वीडियो में भी आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा और हमारे वीडियो हमारे चैनल को अच्छा सा प्यार दीजिए।